अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई आप सारे बंदे जय शाह के पीछे पड़ गए हैं कि जी आप तो कह रहे थे जी मेरा बड़ा डिसीजन है, मुझसे पूछे बगैर आपने फैसला कैसे कर लिया था कि हम ट्यूटर के अंदर मैचेस रखवाते हैं। और भाई उनका दिमाग खराब थोड़ा ही था कि हम ट्यूटर के अंदर उन्होंने मैच रखवाने की कोशिश की है, वो तो फैंस की खुशी चाहते थे और आपने कहा जी मैं तो मैं हूँ, मेरे बगैर तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता। तो आपने फैसला कौन सा किया, कोलंबो के अंदर मैच का पहला दिन तो धुलवा दिया, दूसरे दिन भी बारिश एक्सपेक्टेड है। ये बात तो तय है ना कि कुदरत के कामों में कोई दखल अंदाजी पंगा नहीं चलता किसी बंदे का, लेकिन दिमाग अक्कर बुद्धि तो है ना बंदे के पास कि जब एक बेहतरीन वेन्यू आपको मिल रहा था हमन ट्यूटा का तो वहां पर मैचेस करवाते ना। लेकिन आपने कहा कि जी मेरी शान में फर्क आ जाएगा अगर मैंने जी उनका फैसला मान लिया, तो आप अपनी जिद ना करवाइए। और आप भारती कह रहे हैं कि एशिया कप के ऊपर क्या कर? भाई लानते भेज रहे हैं एशिया कप के ऊपर जिस टूर्नामेंट के अंदर फैन को खुशियां ना मिले, कभी जी अंदर जा रहे हैं ग्राउंड से कभी बाहर आ रहे हैं। आप रिजर्व डे भी मैच चला गया और ठीक है चलो रिजर्व डे रखे हुए एक बेहतरीन डिसीजन है। बहरहाल जनाब इनका अब क्या मतलब क्या किया जा सकता है, जो हो गया अब हो गया, अब इसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं। बहरहाल सारे फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड जय शाह के डिसीजन से। आज इंडिया वाले खुद इस बंदे के ऊपर चढ़ हुए हैं कि भाई आपने ये क्या डिसीजन लिया, पथाटेक हमन टूटे के अंदर अगर आप रख देते तो क्या कौन सी क्या टूट पड़नी थी। बड़ा जनाब जो मैच की सूरत हाल थी वो यही थी कि आप 24.1 से ही मैच का आगाज होगा और 50 ओवर की गेम होगी, अगर बारिश ना हुई तो 50-50 ओवर की गेम होगी। और कल इंशाल्लाह उम्मीद तवक्को यही है कि मैच का जो रिजल्ट है वो भाई जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो शायद मजा जो कर हो चुका है जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली मैच चलते हुए देखना चाहते थे और रिजल्ट जो मिलता है। लेकिन अब देखते हैं किस किस्म का रिजल्ट आता है। अपडेट से चलेगी तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर, पहली बार सब्सक्राइब प्लीज कर।